नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक महापंचायत का आह्वान किया है। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं अपने साथी से कहूंगा, महापंचायत की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक रूप से महापंचायत की शुरुआत 11 से 11:30 बजे के बीच में होगी, जब SKM के कुछ नेता यहां पहुंच जाएंगे। लेकिन किसानों का पहुंचना यहां पर कल से ही शुरू हो गया है। जैसा आप देख रहे हैं, टेंट में बहुत सारे किसान मौजूद हैं जो वहां आराम कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे अगर दाहिनी तरफ देखेंगे तो उधर चूल्हे भी जल रहे हैं, जो इस बात का इशारा है कि ये लोग कल से आए हैं और अब अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर जींद के बाद से अभी हाल ही में किसान SKM ने जींद में, हरियाणा के जींद में किसान महापंचायत का आयोजन किया था, जहां उन्होंने दोबारा से उन्हीं मांगों को दोहराया था जिन्हें लेकर उन्होंने दिल्ली में काफी दिन तक प्रदर्शन किया था। यहां भी अगर बात करें तो किसान अपनी 5 मुख्य मांगों को लेकर एक बार फिर जुट रहे हैं, जिसमें सबसे पहली मांग है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को उनके बनाए फार्मूले पर लागू करना। इसके अलावा अगर बात करें तो सरकार ने MSP पर जो समिति गठित की है किसानों की, यानी संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि उस कमेटी को भंग कर दोबारा से MSP पर कमेटी बनाई जाए और उसमें ज्यादा से ज्यादा किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो किसान संगठनों का कहना है कि लखीमपुर खीरी में जितने भी मृतक हैं, किसान हो चाहे वो पत्रकार हो, उन सबको उचित मुआवजा दिया जाए, मरने वाले पत्रकारों को भी मुआवजा दिया जाए, साथ ही जो उसमें आरोपी हैं उनको जेल भेजा जाए और अजय मिश्रा टेनी यानी कि जो केंद्रीय मंत्री भी हैं उनको उनके पद से हटाने की मांग किसान संगठन कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि किसानों का लगातार आना चालू है और काफी संख्या में किसान यहां मैदान में पहुंच चुके हैं, तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जैसे यहां मौजूद किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि बहुत थोड़ी ही देर में उनके जो मुख्य बड़े पदाधिकारी हैं उनका पहुंचना यहां शुरू हो जाएगा और आधिकारिक रूप से किसान महापंचायत की शुरुआत कर दी जाएगी। हालांकि भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के प्रबंध भी काफी कड़े किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहां पर CRPF, RAF की अलग अलग टुकड़ियां भी मौजूद हैं। सड़क से लेकर मैदान तक में बड़ी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा बल मौजूद हैं। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है किसान तक। खाना है तो उगाना है।